ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देखिए सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की खबर। और डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी, मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि की, कुंटा के जंगलों में चल रही है ये मुठभेड़। तो इलाके में फिलहाल तो रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, कोंटा के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है, कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। तो जवानों और नक्सलियों के बीच में चल रही है मुठभेड़, डीआरजी जवान और नक्सली जिनके बीच में मुठभेड़ जारी, कोंटा के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। और ऐसे में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर मिल रही है। कितने नक्सली घायल हैं फिलहाल तो जानकारी नहीं, लेकिन एसपी किरण चव्हाण ने भी मुठभेड़ की पुष्टि की है कि मुठभेड़ जारी है, कोंटा के जंगलों में मुठभेड़ हो रही है और इलाके में रुक रुक कर फायरिंग भी की जा रही है, दोनों ओर से ये फायरिंग जारी। तो इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं। और ऐसे में सर्चिंग के दौरान जो जवान निकले हुए थे डीआरजी के, उनको जब इस बारे में जानकारी लगी तो फायरिंग शुरू हुई, मुठभेड़ शुरू हुई, कुंटा के जंगल में यह मुठभेड़ चल रही है। सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार जारी है, सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना है, इलाके में रुक रुक कर हो रही है मुठभेड़। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है, कुंटा के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। सुकमा से बड़ी खबर, तो जवानों और नक्सलियों के बीच में देखिए मुठभेड़ जारी, डीआरजी के ये जवान और नक्सली जो कि मुठभेड़ दोनों ओर से हो रही है, यानी कि दोनों ओर से फायरिंग जारी है, रुक रुक कर यह फायरिंग हो रही है। और ऐसे में कितने की संख्या में नक्सली इस समय मौजूद है जंगल में फिलहाल तो ये जानकारी नहीं है। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां कोंटा के जंगल में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है, दोनों ही ओर से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है, कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर।